नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज हम बात करेंगे फिल्म जवान। आइए बात करते हैं जवान की स्टार कास्ट की। जवान में लीड रोल में है शाहरुख खान, नयनतारा, दीपिका पादुकोण, विजय सेतुपति और उनका साथ दिया है प्रियामणि और सान्या मल्होत्रा ने। फिल्म को डायरेक्ट किया है साउथ के जाने माने डायरेक्टर एटली ने। आइए बात करते हैं फिल्म की कहानी की। जवान की कहानी है शाहरुख खान की, विक्रम राठौर की और आजाद। ये दो शाहरुख खान हैं जो देश के लिए और देश के लोगों के लिए लड़ते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य आम आदमी को उसकी मुश्किलों से निजात दिलाना है और जिन्होंने उनको मुश्किलों में डाला है उनको उनके मुकाम तक पहुंचाना है। इस तरह इटली ने एक शानदार कहानी रची जिसके अंदर शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रियामणि जैसे किरदारों को पिरोया और उन्होंने कहानी को बहुत ही सधे हुए अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया। कहानी का पहला हफ जहां में नयनतारा, शाहरुख खान और फिल्म में वो ढेर सारे सीन दिखाता है जो हमने प्रोमो में देखे थे, तो सेकंड हाफ में हमें वो सब चीजें देखने को मिलती हैं जो पहले हमें नहीं दिखी। कुल मिलाकर फिल्म 2 घंटे 50 मिनट की होने के बावजूद भी गोली की तरह चलती है और कहीं भी बोरिंग नहीं लगती। जहां भी हमें लगने लगता है कि हाँ यहाँ कहानी थोड़ी सी खिंच रही है, वहीं कोई ना कोई सरप्राइज एलिमेंट एटली ने डाला है और फिल्म को मनोरंजक बनाया है। इस तरीके से फिल्म की कहानी, ट्रीटमेंट, एक्शन, सितारे सभी कमाल के रहे हैं और उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ काम किया है, एक मसाला फिल्म को दर्शकों के सामने पेश किया है। आइए बात करते हैं डायरेक्शन की। इटली साउथ के डायरेक्टर हैं, उनको मसाला फिल्में बनाने के लिए पहचाना जाता है। इस बार वो शाहरुख खान के साथ आए और उन्होंने धूम मचा। हर फ्रेम, हर कैरेक्टर इतना जानदार बनाया है कि वो अपने आप में पूर्ण है और दर्शकों को भरपूर मजा देता है। उनको एक बात पता थी कि हमें ऐसी फिल्म दिखानी है जो लार्जर देन लाइफ हो और उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक फिल्म में इस बात को पिरोए रखा है। इस मामले में, डायरेक्शन के मामले में, एटली ने बेजोड़ फिल्म बनाई है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बेशक कुछ सीन, कुछ पॉइंटर्स फिल्म के ऐसे हैं जो और किसी फिल्म से लिए हुए लगते हैं या कहीं से प्रेरणा लगती है, लेकिन कुल मिलाकर वो भरपूर मनोरंजन करने का काम करते हैं। आइए बात करते हैं जवान में एक्टिंग। जवान में शाहरुख खान लीड रोल में है और शाहरुख खान कई किरदारों में या कई अलग अलग लुक में फिल्म में नजर आते हैं और हर लुक में उन्होंने जान डाल दी है। उनका एक्शन, उनका अंदाज इतना बेमिसाल है कि उनको लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने उन सितारों के लिए चुनौती पैदा कर दी है जो उनके समकालीन है और जो एक्शन फिल्में बनाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी लकीर शाहरुख खान ने खींच ली है। नयनतारा साउथ से बॉलीवुड में आई और छा गई, उन्होंने कमाल की एक्टिंग की, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी बहुत ही अच्छी है। दीपिका पादुकोण फिल्म में है, उनका जितना भी रोल है उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया है। विजय सेतुपति जितना कमाल साउथ में करते थे उतना ही कमाल उन्होंने फिल्म में भी किया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका जो डायरेक्ट बोलने का ढंग है और हर एक पंच है वो बहुत ही मजेदार लगता है। इस फिल्म में प्रियामणि को देखने भी मजा आएगा। इसके साथ बाकी जो एक्ट्रेस और एक्टर हैं उन्होंने भी बहुत शानदार काम। आइए बात करते हैं वर्डिक्ट। जवान को साउथ के डायरेक्टर एटली ने डायरेक्ट किया है, विजय सेतुपति इसमें है, नयनतारा इसमें है और एक खास कैमियो भी इसमें रखा है दर्शकों के लिए जो फिल्म देखने पर आपको पता चलेगा। और इसके साथ सबसे बड़ी बात, मजेदार डायलॉग है, शानदार गाने हैं, उसके साथ ही ऐसा एक्शन है जो पहले सीन से लेके आखिर तक आपको बांधे रखता है। और शाहरुख खान की जो फिल्म में एंट्री है शायद ही अभी तक किसी बॉलीवुड या साउथ फिल्म में किसी एक्टर की इस तरह की एंट्री आपने देखी। और फिर उसके साथ फिल्म हर सीन, हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज देती है जो आज के समय में काफी प्रासंगिक लगता है। जवान फिल्म में कुछ ऐसा काम करता है जहां सिस्टम फेल होता है वहां जवान आता है। इस तरीके से फिल्म को हमारी तरफ से 4 स्टार। फिर मिलते हैं नए फिल्म और नए रिव्यू के साथ। शुक्रिया।